परिवान गुड मॉर्निंग। तो मैंने खाना बनाना भी शुरू कर दिया, ऑलरेडी गैस पे चढ़ा रखा है। क्या क्या चढ़ाया बताती हूँ, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। मेरा सजेशन मान लीजिए, सजेशन मतलब फ्री हो जाते हैं आप लोग शाम के लिए भी। तो अभी सुबह के लिए मैंने गैस पे चढ़ा रखा है एक तो चिकन करी, क्योंकि सुबह ही बनाना, तो मैंने बोला रात को ही मंगा लेते करके, तो रात को ही मंगा लिया। रात को मतलब कल शाम को मंगा लिया था और डीप फ्रीज में रख दिया था। तो चिकन करी बना रही हूँ वो दोपहर के लिए, और कैप्सिकम करी वो शाम के लिए, अगर रोटी खानी तो रोटी के साथ भी चल जाएगी। एंड चिकन के साथ थोड़ा सा रसम चाहिए तो वो चढ़ाया, प्लस एक आलू फ्राई वो बन चुका है, साइड में रख दिया मैंने आदित्य के लिए, स्कूल के लिए, क्योंकि स्कूल में वो ये सब मिला के खाना, चिकन है वो सब नहीं खा सकता है, इसलिए उसके लिए स्पेसिफिकली आलू करी गैस पर चढ़ रखी है। चलिए दिखाती हूँ। देखा ना आपने, करी बन रही है एक। जब सारे गैस पे सारे मतलब पकते हुए दिखते हैं ना, तो मेरे को बड़ी सेटिस्फेक्शन आती है कि ना मैं इतना कुछ बना रही हूँ रोज। और ये होता है ना कि जब हम दो सब्ज़ी बनाते हैं तो रात को किसी ना किसी में एडजस्ट हो जाते हैं जो बच जाता है दोपहर को, लेकिन जब तीन बनाते हैं तो रात को एक वैरायटी रहती है खाने के लिए। ये नहीं है कि भैया हाँ सुबह वाला ही खाना है करके। तो अगर कुछ तो बचता है थोड़ा बहुत, तो मैं अपनी मेड को दे देती हूँ, वो भी हंसी खुशी खा लेती है, हमें लेके चल जाती है, कभी कभी तो खा लेती है। और रात को थोड़ा सा राइस बचा था तो उसका मैंने जो है येलो राइस बना दिया, वो यहाँ पे उसको टाइगर राइस बोलते हैं। तो पूरे दिन में कभी अगर आपको भूख लगे या कुछ है, या बच्चों को भी कभी भूख लगे किसी और को भी, तो वो देने के लिए अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा रहता है। वैसे आदित्य तो खाता नहीं है, मेरे को भी पसंद है एक तरह से, तो मैं बोल रही हूँ कि योगा एंड डाइट, बट फिर भी बचा है तो। और उसमें दूसरी चीज़ है कि जो टाइगर राइस है ना, दो दिन तक भी ख़राब नहीं होता है अगर आप फ्रिज में नहीं भी रखो तो वो उसकी क्वालिटी है। तो अभी मैं योगा शुरू करूँगी और आज आपको पक्का दिखाने वाली हूँ मैं। ये क्या एकदम लाइट ऐसे ऐसे हो रही है, तो आज मैं आपको पक्का दिखाऊँगी, क्योंकि कल मैं दिखा नहीं पाई थी आपको। तो खाना बनने के बाद जो है मैं आपको शुरू करूँगी। और खाना बनाते टाइम इतने ऑलरेडी मैं सब कुछ चढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि योगा अगर करना है या अपना रूटीन पूरा करना है तो कैमरा लगा के अगर मैं सारी रेसिपीज दिखाने लग जाऊँ ना, तो अभी देखो मेरा खाना पूरा बनने वाला है, वही मैं कैमरा लगा के करूँगी ना, तो वो टाइम पर ख़त्म भी नहीं होगा, क्योंकि हर एक इंग्रेडिएंट दिखाना पड़ता है क्या है। अब कोई एक करी हो तो मैं दिखा दूँ, तीन चार चल रही हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर मुझे बताना अगर आप देखना चाहते हो, तो मैं पूरे दिन में कोई एक मतलब जब भी रेसिपी बना रही होंगी, अगर कोई वैरायटी रेसिपी होगी उनमें से, तो एक दिखा दूँगी, एक तो पॉसिबल, सारी एक साथ दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो चलिए अभी खाना बनाना ख़त्म करने के बाद मैं योगा करते हुए मिलते हैं। हमारी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है, ये है ब्रेकफास्ट जो मैंने एक बार पहले भी दिखा रखा है आपको, जो डोसा का जो बैटर होता है जब वो बच जाता है उससे ये बना सकते हैं, ये है। उसके बाद इसमें चिकन करी है, नीचे ये जो है बचा हुआ राइस था उसका येलो राइस बना दिया है, यहाँ पे ये कैप्सिकम करी है, और ये आदित्य के लिए जो फ्राई बनाया था वो थोड़ा सा बचा है, और ये है रसम। अब हो गई है हमारे पूरे दिन की किचन से छुट्टी, क्योंकि जो ब्रेकफास्ट है वो भी थोड़ा एक्स्ट्रा बना दिया है, माइक्रोवेव में रख के गर्म करके खा सकते हैं, वो जो राउंड है ये देखिए पूरा सामान। तो अभी मैं हॉल में आ चुकी हूँ, मुझे योगा शुरू करना है, क्योंकि सुबह सुबह जब मैं आपसे मिली थी तभी मैंने जो है गर्म पानी में एक नींबू स्क्वीज करके थोड़ा सा हनी डाल के गर्म पानी, मतलब एक गिलास तो पूरा पी लिया था और दूसरा गिलास पूरा प्लेन गर्म पानी पिया था। तो दो गिलास पीने के बाद जो है उसके बाद आप इधर उधर थोड़ा ऐसे ही घूमेंगे जब घर में, और वैसे भी मैं खाना बना रही थी तो घूमने के बाद थोड़ी देर के बाद जो है मोशन आएगा तो आपका पेट पूरा क्लीन हो जाएगा। तो तुरंत भी कर सकते हैं जब क्लीन हो जाए, लेकिन मेरा क्या है कि खाना वाना बनाना था इसलिए लेट हो गया। अभी हो रहे हैं 8:30, तो मैं ओनली 10 मिनट्स का योगा करूँगी, तो आप लोग आज से मेरे साथ मेरी वेट लॉस जर्नी में शामिल हो सकते हैं। तो प्लीज़ एकदम स्ट्रिक्टली मैं
फॉलो नहीं करूँगी क्योंकि कल से मैंने शुरू किया था, तो मैं आज से आपको दिखा रही हूँ। तो कल जो मैंने किया था फर्स्ट डे में आप क्या क्या कर सकते हैं वो दिखाऊँगी। तो सबसे पहला स्टेप है, उठो, गर्म पानी पियो, हो सकता है तो अगर नींबू उसमें ऐड करोगे तो बहुत बढ़िया है, और हनी नहीं भी करोगे ऐड तो चलेगा, चलेगा मतलब नहीं करोगे तो अच्छा है, लेकिन प्लेन नींबू वाटर के साथ ना थोड़ा सुबह सुबह के टाइम पे थोड़ा उतरना, गले के नीचे उतरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये है चीज़। अब मैं जो है योगा शुरू करने जा रही हूँ, आज मैं सिर्फ योगा ही करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट करते हुए। कुछ योगा के स्टेप्स जो मैंने आपको दिखाए, तो मैंने आपको कम ड्यूरेशन में, मतलब जैसे मैंने किया इसको फास्ट स्लो कुछ भी नहीं किया वैसे दिखा दिया है आपको, ताकि आपको पूरा ए टू जेड समझ में आए, लेकिन कट शॉर्ट किया है वीडियो में। तो हर एक योगासन जो है आप विद अ काउंट ऑफ 15 कर सकते हैं, और आप काउंट बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम 100 तक भी जा सकते, दैट्स अप टू यू योर कैपेसिटी। तो स्टार्टिंग में पोस्चर के बारे में भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं कि परफेक्टली आ रहा है कि नहीं, बिकॉज सबसे पहले जब आप योगा शुरू करते हैं तो जब आप स्ट्रेच करना शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी में थोड़ा सा पेन होगा। उस टाइम पे अगर आप ये कोशिश करेंगे कि एकदम परफेक्टली आए और एकदम आप सही कर लें, तो आप दर्द सहते हुए अगर कुछ करेंगे तो अगले दिन से नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी एक्सरसाइज हो चाहे योगा हो, पहले अपनी बॉडी को उस चीज़ में कम्फर्टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये नहीं है कि आप जो पैर के ऊपर पैर डालना है एकदम सेम ए टू जेड एग्जैक्टली वैसे ही डालना है, ज़रूरत नहीं। पहले कुछ 5 दिन जो है आप अपनी बॉडी को उसकी आदत पड़ने दीजिए, उसके बाद जो है जब आपकी बॉडी अच्छी खासी हर एक एंगल से स्ट्रेच हो जाएगी तब आप जो है प्रॉपरली करने की कोशिश कीजिए। पहले बॉडी को रिलैक्स होना, फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। तो ये था मेरा फर्स्ट डे ऑफ योगा आप लोगों के लिए। कल तो मैंने टीवी लगा के किया था, तो आज मैंने टीवी लगा के नहीं किया क्योंकि कल जो जो मैंने किया था वो मुझे याद हो गया है, तो मैंने कर दिया। और जो भी मैं आगे दिखाऊंगी वो थोड़ी बहुत प्री प्रैक्टिस के बाद ही दिखाऊंगी, मतलब पोस्चर्स जो भी करने होते हैं। तो जो भी वेट लॉस जर्नी में मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं हो सकते हैं एकदम बिंदास, करने के लिए नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, राइट? होता है कि नहीं होता है, अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से आप शुरू करेंगे भैया 2 दिन में आपका इतना कम हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं। तो कम से कम 1 महीना में हम लोग 2 kg तो घटाएंगे, है ना? तो हैव पेशेंस एंड हैव इंटरेस्ट, तो हो जाएगा। तो चलिए, अब इतना ज़्यादा पसीना नहीं आया, एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा पसीना आता है एंड एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो वेरी मच नीडेड। तो
कल तो मैंने एक्सरसाइज भी किया था और एक्सरसाइज के बाद योगा किया था, आज जस्ट मैंने योगा ही किया है। और योगा टीचर्स जो है वो बोल रहे थे कि योगा आपको इवनिंग में भी करना चाहिए, मॉर्निंग कर रहे हो तो इवनिंग में भी करो, अगर इवनिंग में नहीं कर रहे हो आप योगा तो कम से कम 2 या 4 किलोमीटर चल के आ जाओ तब भी ओके है, लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं करने से तो मुश्किल होगा, इसलिए अभी कर लिया। अगर आप शाम को आपको वॉकिंग पे जाने का टाइम नहीं तो आप ये सेम चीज़ रिपीट कर सकते हो दोबारा। तो पूरा मिला के जो है मैंने इसको ओनली 20 मिनट्स किया, 10 मिनट्स भी नहीं 20 मिनट्स किया, क्योंकि बताते बताते थोड़ा सा लॉन्ग हो गया था। अदरवाइज स्टार्टिंग पहले दिन 10 मिनट के लिए, फिर अगले दिन 15, तो ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो ऑटोमेटिक आपका टाइम भी बढ़ता जाएगा जब काउंट बढ़ेगा, तो वही है। तो चलिए अभी ज़रा फ्रेश होके नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, और नाश्ते में पहले दिन से ही कुछ आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो है लिमिटेड क्वांटिटी में खाओ आप, ये नहीं कि एकदम पूरा ना आपका फूड स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज हो जाए, फिर आपको खाना भी ना पसंद आए और एक मोमेंट ऐसा आए यार ये तो पूरा छोड़ना पड़ रहा है, छोड़ो भाड़ में जान दो इसको, ऐसी वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो खाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाओ सब कुछ, और एन्जॉय करो इस जर्नी को। हाय एवरीवन, आई एम बैक। तो सारा योगा वोगा सब कुछ ख़त्म होने के बाद मैं नहा धो के ब्रेकफास्ट करके, ब्रेकफास्ट भी मैंने आपको दिखाया था, वो मेरे हस्बैंड का प्लेट था, मैंने इतने सारे नहीं खाए थे, मैंने 4 खाए थे। तो उसके बाद अभिषेक उठा, उसको नहलाया, बाकी सब जो भी रूटीन होता है अपना मॉमी रूटीन कंप्लीट कर लिया, और अभी मैं जो है तैयार होकर आ चुकी हूँ। और आज पहली बार ज़िंदगी में मैंने बड़ी ही अच्छी तरह इतना अच्छा मस्कारा लगाया है, ऐसा लग रहा है कि मैंने फेक आईलैशेस लगाई है। आज तक मैंने कभी फेक आईलैशेस मेरे पास है भी नहीं, मन तो बहुत करता है कि लगाना, फिर लगता है अजीब सा कि कभी लगाया तो है नहीं, लगाने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत भारी लगेगा ऐसा कुछ, लेकिन मैंने आज मस्कारे से ही ट्राई किया और देखो यार पसीने आ रहे हैं, मतलब पसीना नहीं देखना है मस्कारा देखो यार कितना ब्यूटीफुल लगाया मैंने। तो मुझे भी नहीं मालूम था कि मेरी आईलैशेस इतनी लंबी है जो मस्कारा लगाने के बाद अच्छी खासी दिख रही है। तो बताओ आप अच्छा लगाया कि नहीं, लेकिन मेरी आँख जो फड़क रही थी ना उस दिन से अभी तक फड़कना बंद नहीं हुई है। देखो यार कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, मैं अपनी आंखों पर फिदा हो गई हूँ आज तो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं देखते ही रहूँ, आपको भी लग रहा है कि आंखें देखते रहो, क्योंकि मैंने इससे पहले अपनी इतनी सुंदर आंखें सजाई नहीं जितनी आज सजाई है, और वो भी मेरे को मालूम नहीं था कि ऐसा होगा। मैंने बोला चलो आज कुछ करते हैं, तो मैं मस्कारा के कोट लगाती थी, एक बार लगा फिर सूख गया, फिर मैंने दोबारा लगाया तो आईलैशेस जो है बहुत ही वॉल्यूमाइज हो गई, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और नीचे भी लगाना बहुत ज़रूरी, नीचे भी लगाया मैंने, देखो है ना अच्छा लग रहा है, कितनी बार पूछ लिया मैंने अभी तक, तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ वैसे तो ये जो मैंने ड्रेस पहनी है ये कितने साल पुरानी होगी बताओ, ये है 7 साल पुरानी, मतलब जब मैं 7 साल नहीं 6 साल आदित्य के पैदा होने के नहीं उससे पहले से ही थी, जो 6 या 7 साल मान लो यार, इतना क्या कैलकुलेट कर रहा है ना, ये तब की है। तो बीच के दौर में ये बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गई थी हमें, अभी फिर से आने लगी है, और ये बहुत ही क्यूट बहुत अच्छी ड्रेस दिखती है, मैंने कुर्ता है तो मैं दिखाती हूँ आपको। क्यूट कुर्ता है कि नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये, और काफ़ी टाइम के बाद पहना है तो अरे व्हाट आर यू डूइंग अभिषेक, नो नो नो। तो मैंने उसको बोला बेडरूम में जाके किरके कर लो जब तक मैं नहीं आती हूँ, कुछ टेबल सरकाने की साउंड ऐसी कुछ साउंड होती है ना, मेरे को तो ना वैसा लगता है कि मेरे दांत उखड़ने वाले हैं ऐसे खसकाने से, वैसा लगता है। और ये वीडियो निकालते समय इतनी लाइट्स ऑन करनी पड़ती है सारी की सारी कि गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पंखा चलाएंगे तो भी डिस्टर्बेंस, और लाइट नहीं चलाएंगे तो नो क्लैरिटी, गर्मी लग रही है। तो आज मैं आपकी लाइफ को बहुत सिंपल बनाने के लिए कुछ एक आज आपकी गृहस्थी में जो आपको करना चाहिए वो बताती हूँ, ताकि ना जो मैस मचा रहता है घर में उससे रिलेटेड, या कभी कभी मियाँ बीवी में उसकी वजह से झगड़े हो जाते हैं वो भी बताऊँगी कि उसको कैसे सॉर्ट करें, मतलब मियाँ बीवी के झगड़े किन कारणों की वजह से हो जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। गर्मी लग रही है अभी चलिए। तो इस गैप में जो है आदित्य अभी स्कूल से आ गया और वो नीचे चला गया है आने के बाद सब कुछ फ्रेश व्रेश होके साइकिल चलाने के लिए, वो देखो बोरा
तो बोल रहा है मैं जा रहा हूँ, उसका ट्यूशन के टाइम तक वापस आऊँगा बोल रहा है मेरे को। एक्चुअली उसकी साइकिल कब से बीच में जो है वो ठीक से चल नहीं रही थी, वो देखो गया 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 कहाँ गया। हाँ आई थी, कम बैक। आइडिया तो बीच में जो उसकी साइकिल ख़राब हो गई थी तो चला नहीं पा रहा था, पता नहीं क्या वो बैलेंसिंग सही से नहीं थी उसकी, तो फिर कल ही जो है फिर रिपेयर होके आई है उसकी साइकिल। तो अभी उसको नए नए में जब खरीदी थी ना तब बड़ा शौक चढ़ा हुआ था और अब दोबारा से जो है शौक चढ़ गया। उसके बर्थडे पे ली थी हमने वो साइकिल। आ रहे हो वाट वाट, ये देखो इसको भी हो रही है अभी कि मैं भी भाग जाऊँ नीचे। नो आ गया आदित्य, यू आर राइडिंग ऑसम आदित्य। राउंड पे राउंड लगाया जा रहा है और ये यहाँ पे चला रहा है उसको। इसको कितनी बार बोलो कि भाई को भैया करके बोलो, बोलते नहीं आचा आचा करता रहता है। तो आदित्य अभी राउंड लगा के आ ही रहा है बस ऊपर, इसलिए मैं देख रही थी खड़े होके, क्योंकि कल रात को ना उसके पापा के साथ वो शाम को पार्क में भी चला गया था। हाँ ओके, तो ये तो हो गया उसकी राइड। अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो ज़रूरी चीज़ मैं आप लोग को बताने वाली थी जो आपकी लाइफ को सिंपल बना सकती है, जो एक घर में थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स आते हैं उनको भी सुधार सकती है, आपकी टेंशन को कम कर सकती है और बहुत कुछ कर सकती है, वो कैसे वो क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है ये सारी फाइल्स। अब आप सोचेंगे ये क्या है ये फाइल्स। पहले मैं इन फाइल्स को ज़रा अलग अलग रख देती हूँ ताकि आपको पता लगे कि मैं एक्चुअली दिखाना क्या चाह रही हूँ। ये देखिए इतनी सारी फाइल्स हैं। तो ये जो सारी फाइल्स है इसमें मैंने हमारे घर की पूरी नीड्स है जो उनको सेग्रीगेट करके रखा है। अब क्या होता है आए दिन हम लोग बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, कई बार हॉस्पिटल विजिट करते हैं, अभी घर खरीदते हैं या प्लॉट्स खरीदते हैं, हर चीज़ के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हर चीज़ की रिसिप्ट होती है। घर में आए दिन कुछ ना कुछ रिपेयर होता रहता है, कभी कुछ जल गया, कुछ कभी मान लो वॉशिंग मशीन रिपेयर हो जाती है, कभी टीवी का रिपेयर कराना पड़ता है, कभी मतलब एवरीथिंग ए टू जेड जो भी घर में आइटम्स होते हैं उसका हम रिपेयर कराते हैं। प्लस जब चीज़ें खरीदते हैं तो उसके हमको वारंटी कार्ड्स मिलते हैं और उनकी रिसिप्ट मिलती है, और उस वारंटी में अगर हमको सर्विस अवेलेबल होती है तो हमको उसको सर्विसिंग करानी पड़ती है। तो सर्विसिंग करानी है तो हमको, हाँ बेटा जी जी तो बीच में आके आदित्य बोल रहा है कि मैं अभिषेक को नीचे लेके जाऊँगा। मैंने बोला नहीं, वैसे भी अब ट्यूशन टाइम होने वाला है तो कैसे भी ऊपर आना पड़ेगा, और छोटे वाले को नीचे ले जाते समय मेरे को साथ में जाना पड़ता है कि लुक आफ्टर के लिए कोई होता नहीं है। तो जैसे कि मैं बता रही थी हर चीज़ का हमको जो है एक रिटर्न चीज़ मिलती है, चाहे अगर हमको उसको रिपेयर कराना हो चाहे सर्विसिंग करानी हो, हमारे पास वो जब कागज़ रहेगा उसका मॉडल नंबर उसकी सब कुछ रहेगा तो हम जो है सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं। अगर अवेल फ्री में नहीं भी है तो भी जब हमको उसका कुछ मेंटेन करना है, जैसे अभी गाड़ियाँ होती हैं हम इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस के जो कागज़ होते हैं वो देखने के बाद ही है, अगर आपके निलडिप इंश्योरेंस होती है तो आपकी कार की जो भी सर्विसिंग होती है या जो भी क्लेम्स होते हैं आपको तब जो है बहुत ही रीजनेबल प्राइस में रिपेयर हो जाता है, अगर एक्सीडेंट भी होता है आपकी गाड़ी का तो भी। तो मेरा कहने का मतलब तो आप समझ गए होंगे। तो मैंने यहाँ पे इतनी सारी हमारे घर में फाइल्स बना रखी है, फाइल्स जो हैं ये बार बार देखो बीच में आके से हाय अभिषेक मेरे साथ आते हैं मेरे साथ आते हैं फाइल यू डोंट टच प्लीज प्लीज फाइल 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 ओके 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 वेरी गुड। तो बच्चों के साथ वीडियो शूट करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है बट स्टिल आई एम डूइंग इट, और स्पेसिफिकली जब सारे इंपॉर्टेंट कागज निकाल के रखे मैंने
तो पूरी ना एकदम चौकीदारी करनी पड़ रही कि कुछ उखाड़ ना ले, तो इसलिए बहुत सोच समझ के बहुत है ना क्रूशियल टाइम में निकालना पड़ता है ऐसे। तो यहाँ पे मेरे पास इतनी सारी फाइल्स है और ये फाइल्स के लिए मैंने कोई भी खर्चा नहीं किया है। तो जनरली हम जब हॉस्पिटल जाते रहते हैं, जब भी कभी चेकअप कराते हैं तो वो लोग फोल्डर देते हैं, तो ऐसे प्रेगनेंसी के टाइम पे जब मैं प्रेग्नेंट थी, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी या जितनी बार भी प्रेग्नेंट हुई, कुछ टाइम तक तो मैं हस्बैंड के पास रहती थी और डिलीवरी के टाइम मम्मी के पास चले जाती थी। तो हर जो भी हॉस्पिटल में दिखाते थे वहाँ न्यू फाइल हो जाती, फाइल इतनी अच्छी होती है कि फेंकना भी वेस्ट है, तो उसको रीयूज़ कैसे कर सकते हैं वो उसका एक तरीका मान लीजिए। तो मेरे घर में इतनी सारी फाइल्स है तो दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे ये पूरी जो है मेडिकल फाइल्स है, मेडिकल फाइल्स इन द सेंस कि मेरी, मेरे हस्बैंड की और मेरे बच्चों की। तो हर एक की अपनी अपनी अलग फाइल है। जब भी हमको हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट कराना होता है तो हम जो हमारी पुरानी फाइल होती है वही लेके जाते हैं। उससे क्या होता है, तो चाहे आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, अगर वो आपका प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हैं, चाहे आपका हो चाहे आपके बच्चों का हो, तो उससे उनको पता लगता है कि बच्चे की या हमारी हेल्थ कंडीशन क्या है, उससे पहले उन लोगों ने क्या मेडिसिन यूज़ करी है और अब हमको क्या देने से बेटर रहेगा। कई बार ये होता है जब पुरानी हिस्ट्री हम उनके पास नहीं होती है, जो मेडिसिन हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके होते हैं, इसके बजाय इसके कि वो काम नहीं कर रही है प्रॉपरली, फिर जो नए डॉक्टर होते हैं हमको वही दवाई लिख देते हैं और हमको याद नहीं रहते टैबलेट्स की। कहाँ, हम थोड़ी कोई MBBS करे हुए हैं हर कोई इंसान जो टैबलेट्स के नाम याद रहेंगे। तो आपको आपके घर में ऑर्गेनाइज रहने के लिए, आपके बच्चों को हेल्दी रखने के लिए ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो मेडिसिन लिखी रहती है बहुत बारी हमको हमारी मेडिसिन के नाम भी याद नहीं रहते कि हमने बुखार के लिए कौन सी दी थी, जुकाम के लिए कौन सी दी थी, या जब ऐसा कुछ हुआ था तब कौन सी दी थी। तो आप रेफ़र करने के लिए भी ये आपकी फाइल्स जो है चेक कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन थी उस टाइम पे, और आप दोबारा जो है वो शॉप से लेके आ सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए आप हमेशा मेंटेन कर सकते हैं, और ऐसे अगर फाइल्स मेंटेन रहेगी तो बहुत ही ऑर्गेनाइज हो जाता है काम। उसके अलावा ये तो था मेडिकल, उसके अलावा यहाँ पे जितनी भी फाइल्स है, ये देखिए ये जो फाइल है इसके ऊपर लिखा हुआ है LG, तो LG की फाइल मैंने लिखा है। तो LG से रिलेटेड जो भी हमारे घर में आइटम्स है, TV हो गया या फ्रिज हो गया या वॉशिंग मशीन हो गया, उसके सारे आइटम्स इसके अंदर रहते हैं, मतलब सारे बिल्स, वारंटी कार्ड, वो सारे इसमें रहते हैं। घर में गैस आता है, गैस के लिए मैंने अलग फाइल बना रखी है, ये हमारी कार की है। उसके अलावा ये एक फाइल है, ये मिसलिनियस फाइल है, मतलब जो भी अलग से बीच में कभी कभार खर्च हो जाते हैं, मतलब जो रेगुलर अकाउंट में रहते नहीं रहते उसको मैं, उसके लिए मैंने मिसलिनियस फाइल बनाई है। तो इसमें भी जैसे कभी हमने कोई बर्थडे के टाइम पे शॉपिंग कर ली या कोई गोल्ड खरीद लिया या कुछ कर लिया, तो उसके सारे इसमें रखती हूँ मैं बिल्स। ये बाइक का है, तो ये बाइक के जो भी रिलेटेड होते हैं जैसे बैटरी की वारंटी, वो सब, वो सारे कार्ड्स उसमें हैं। उसके बाद ये जो फाइल है ये पूरे हाउस से रिलेटेड है, तो ये जो है पूरा बैंक से रिलेटेड फाइल है। जो भी ऑर्गेनाइजिंग है ये पूरी मैंने अपने पापा से सीखी है, क्योंकि मेरे पापा भी घर में ऐसे ही रखते हैं पूरे। आप बिलीव नहीं करोगे, LKG से लेके जब तक मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई उस दिन तक के सारे रिपोर्ट कार्ड मेरे पापा ने मेरे और मेरे भाई के सेपरेटली अलग अलग फाइल में फाइल करके रखे हैं। और जब हम देखते हैं ना कि कभी कभी जब भी जैसे अपने मम्मी के घर जब जाती हूँ तो पुरानी फ़ोटोज़ देखती हूँ तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। और ऐसे ही जब फाइल्स देखते रहते हैं ना, पता है कि वहाँ पे फाइल है, तो कभी कभी लगता है अपने रिपोर्ट कार्ड भी देखते हैं कि अभी हमारे बच्चे इस क्लास में हैं, हम ऐसा पढ़ते थे, हमारे बच्चे कैसा पढ़ते हैं, तो देख के बहुत अच्छा लगता है। ऑल्दो हमारी लाइफ में हमको पढ़ाई के टाइम पर ओनली 10th के मार्कशीट और चाहिए होती है और 12th की चाहिए होती है और ग्रेजुएशन, ये सब, मतलब 10th के बाद की, उससे पहले की तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यू नो, फॉर यू नो सेविंग योर मेमोरीज एंड शोइंग दोज टू योर किड्स, यू नो दैट गिव्स अ ऑसम फीलिंग। तो इसलिए कुछ चीज़ें ओनली फ़ायदे के लिए नहीं, कुछ चीज़ें मेमोरीज के लिए भी रखनी चाहिए। और इस तरह से ऑर्गेनाइज करने से आपका घर बहुत ऑर्गेनाइज रहता है, प्लस जो मियाँ बीवी के झगड़े हैं ना बहुत सारी जगह पे यहाँ ऐसी वाली चीज़ों में आते हैं, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे कि मैं बता रही थी, हस्बैंड वाइफ को या किसी को भी, बच्चों से रिलेटेड का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, या हमारा आधार कार्ड चाहिए होता है, आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड के जेराक्स चाहिए होते हैं, और उसके साथ जो है करंट बिल चाहिए होता है, प्लस आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए, तो आपको इनकम टैक्स का जो जहाँ पे मतलब आप रह रहे हो उसका प्रूफ चाहिए होता है, प्लस आप अगर हस्बैंड वाइफ है तो आप वाइफ हो उसका प्रूफ क्या है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हमेशा रेडी होने चाहिए। और ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेरे को शायद अभी सारे याद नहीं आ रहे हैं। तो आप अगर इस तरह से अरेंज करके रखेंगे तो आप हस्बैंड वाइफ में भी बहुत सारे झगड़े नहीं आएंगे, क्योंकि एवरीडे लाइफ में इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप ऐसी चीज़ों में ऑर्गेनाइज नहीं है, नॉट ओनली आधार कार्ड एंड ऑल, अगर आप बिल्स भी आपने ध्यान से नहीं रखे, और कल को आपकी जिस दिन मालूम है क्या होता है,
जब हम जिस चीज का ध्यान नहीं रखते ना, जो बिल घुमा देते हैं ना, नेक्स्ट दिन उसी चीज का रिपेयर आ जाता है कि नहीं? से अगर रखोगे आप, कभी भी आपको ना एकदम हड़बड़गड़ी में नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड्स जो होते हैं जब चीज़ें मांगते हैं और तुरंत नहीं मिलती है तो जो है झगड़े हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड भी ये देख के बड़े मतलब इम्प्रेस हो जाते हैं कि हाउ वेल आई एम ऑर्गेनाइजिंग दिस, कि बाकी लोगों के मतलब उन्होंने अपने घर में भी ऐसा कभी नहीं देखा ऐसे फाइल सिस्टम या वो, तो काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। तो यू कैन मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि हस्बैंड को इम्प्रेस करते हो या कुछ भी, बट टू मेक योर लाइफ सिंपल एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड ईजी, ये करना बहुत ज़रूरी है। आई होप जो मैं कन्वे करना चाह रही हूँ आप लोग को कन्वे हो गया होगा। तो ये फाइल्स मैंने सारी आप लोगों को दिखाने के लिए निकाली है। तो रोज़ खुलती है मेरी ये वाली अलमारी, मेरे को कुछ ना कुछ इसमें रखना पड़ता है और कुछ ना कुछ निकालना पड़ता है। तो आई होप ये आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये मेरा आइडिया अच्छा लगा है, आज एक पक्का अच्छा वाला लाइक चिपका देना, और चिपकाए बिना मेरे वीडियो से जाना मत। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। इंतज़ार करना, मैं ज़रूर आऊँगी। चलिए, बाय बाय।